बेटिया फाउंडेशन दिल्ली से चली और दिल्ली से इसके जो आज इसके कारवां हैं वो तो लगभग 15 स्टेटों में हम लोग काम कर रहे हैं और 15 स्टेटों के साथ हम लोग जो है वो अब जिला कांगड़ा में, कांगड़ा के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है हमारे टीमें बन रही हैं और बच्चों के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं। हम जो हमारी ग्रामीण स्तर पर जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, उन लोगों पर काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या आप लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं? Yes, sir. आपने जो भी हम लोग बोलते हैं उनको आपने सुनना है, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। ये तो सुनना नहीं है कि जैसे आप यहाँ गाना सुना चले गए, ये सब तो ये जो हम लोग यूज़ करेंगे अभी आपके साथ प्रश्न करेंगे, अगर गलत भी बोलते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको मन में है अब्दुल कलाम ने क्या बोला था, जानते हैं अब्दुल कलाम जानते हैं कौन है, कौन थे हमारे प्रेजेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि फेल होना भी हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखो आप सबको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप फोन में घुसे रहते हैं, आपको लगता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छा फ्यूचर बनाने वाले बच्चे हैं। वो जो फोन में लगे रहते हैं ना, व्हाट्सएप पे लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, इंस्टा पे लगे हैं, इतने खो जाते हैं कि खुद को भूल। देखो तो एक बेटी ही तो पूरे सृजन का बीज है, पूरा जो पूरी सोसाइटी का, समाज का वृक्ष है, उसकी उसका बीज वही है, तो अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई खामी रहेगी तो वो वृक्ष भी खामियों से भरपूर रहेगा। तो आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है इसके बारे में तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। ये चर्चा करना अपने आप में कोई बहुत ही औचित्य वाली बात नहीं है, बट फिर भी हमें करनी पड़ती है। हमारा सामाजिक ढांचा कुछ इस तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्ता है, उसकी वजह से ये कैंपेन्स भी करने पड़ते हैं और आपसे बार बार इस तरह से बात भी करनी पड़ती है, नारी उत्थान की भी बात करनी पड़ती है। तो हम अपनी संस्कृति की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि ये है वो है, हमारी सबसे पवित्र संस्कृति है, सबसे ऊँची संस्कृति है, बट सच माने
आज राजकीय महाविद्यालय मछीण में छात्राओं के लिए बेटियां फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर चंदन भारद्वाज के मार्गदर्शन में किया गया, जो कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि भी रहे। उन्होंने छात्राओं को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने और समाज के निर्माण में अपना योगदान देने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों को डटकर पढ़ाई करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। बेटियां फाउंडेशन से नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री संदीप चौधरी, स्टेट सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार गुप्ता के साथ अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बेटियां फाउंडेशन के मेंबर्स ने एक क्विज का आयोजन भी किया, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली छात्राओं को सर्टिफिकेट दिए गए और साथ ही होनहार छात्राओं को भी सर्टिफिकेट देकर नवाजा गया। उसके साथ ही बेटियां फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद छात्राओं को, जिनके पास पुस्तकें नहीं थी, पुस्तकें देकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।